हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और एनएलपी ट्रेनर हूँ। हमारा एक हॉस्पिटल अकोला में, महाराष्ट्र में, जहाँ हम मनोरुग्ण और शराब की नशा जिनको है वो पेशेंट लोगों का इलाज हम करते हैं। यहाँ हमारा एक हॉस्पिटल है जहाँ हम रिश्तेदारों के समेत पेशेंट को भर्ती करते हैं। अभी फिलहाल हमने एक नया हॉस्पिटल चालू किया है, वहाँ हम रिश्तेदारों के अलावा, मतलब पेशेंट को अकेले को वहाँ दाखिल करते हैं, भर्ती करते हैं, जहाँ हम उसका इलाज करते हैं। होता क्या है कि रिश्तेदारों को पेशेंट के साथ में रहना मुश्किल होता है इलाज के समय, क्योंकि इलाज करने के समय पे वो यहाँ रहते तो उनका उनकी रोजी रोटी डूबती है, उनको टाइम रहता नहीं, छुट्टियाँ मिलती नहीं, तो वो पेशेंट को छोड़ देते हैं हमारे पास में, हम उनका इलाज करते हैं, फिर उनको इतल्ला करते हैं, वो हमारे पास से लेके जाते हैं। तो पेशेंट 10-15 दिन, महीना भर, 2 महीने, जैसा भी उनको चाहिए वैसा हम रखते हैं। कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि घर में मेहमान आने वाले हैं, घर में शादी है, कहीं बाहर गाँव जाना है, तो ये जो पेशेंट बहुत शराब पीता है या बहुत बड़ा मानसिक रुग्ण है जिसको बहुत सारे सिम्टम्स है, तो उनको घर में रखना मुश्किल हो जाता है, तो उनको वो हमारे यहाँ आके दाखिल कर सकते हैं, रख सकते हैं, और वापस वो अपने घर में आने के समय पेशेंट को हमारे यहाँ से वापस घर पर लेके जा सकते हैं। तो एक तो इलाज के लिए 15-20 दिन या महीना भर, 2 महीने, जैसा भी रखना हो ऐसा, या फिर घर में रखना मुश्किल है, कभी कभी बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, घर में रखना मुश्किल है, मैनेज करना मुश्किल है, उस समय वो पेशेंट हमारे यहाँ लाके रख सकते हैं। तो उसमें शराब की नशा, सभी प्रकार के मनोरुग्ण जो वायलेंट होते हैं, या सभी प्रकार के डिप्रेशन के है, स्किजोफ्रेनिया, मैनिया, बच्चों का प्रॉब्लम है, मंदबुद्धि के है, जो लोग सीनियर सिटीजन है ना, कि जिनको घर में रखना मुश्किल है, वो रास्ता भूल जाते हैं या पेशाब या टॉयलेट कपड़े में कर देते हैं, तो उनको भी हम हमारे यहाँ रख सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके पड़ोसी, आपके संपर्क में आने वाले अनेक व्यक्ति, उनको शायद ये प्रॉब्लम होगा कि पेशेंट को घर में कैसा रखना, या पेशेंट के साथ में हम हॉस्पिटल में रह सकते नहीं हैं, तो इनको ये वीडियो जरूर पास ऑन कीजिएगा, शेयर करो, ताकि वो उनके पेशेंट का इलाज हमारे यहाँ ला के कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।